कई बार आप सोचते हैं कि क्या आप अपने पुराने स्मार्टफोन जिसे अब आप काम में नहीं लेते उसको एक वर्किंग डिवाइस की तरह काम में ले सकते हैं, जैसे कि मीडिया सर्वर, सीसीटीवी कैमरे और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने पुराने स्मार्टफोन को फिर से काम में ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने डिवाइस को एक मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सर्वर क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है और आप उसे डेटा को किसी भी दूसरी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं, चाहे ये प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकती है या फिर ऑफलाइन भी हो सकती है, यानी कि जो लोकल डिवाइस शेयरिंग होते हैं उसके जरिए आप इसे कर सकते हैं। तो अपने ओल्ड स्मार्टफोन को मीडिया सर्वर में बदलने के लिए सबसे पहले आपको उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है मीडिया सर्वर। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद सेटअप करते हैं, आपके स्मार्टफोन में जितना भी मीडिया फोटो सॉन्ग है उन सबको आप दूसरे डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। यूज योर स्मार्टफोन एज ए सीसीटीवी कैमरा। आप अपने स्मार्टफोन को एक सीसीटीवी कैमरे की तरह भी काम में ले सकते हैं, पर इसके लिए आपको जरूरत होगी स्मार्टफोन के साथ उसके चार्ज को ऑल टाइम कनेक्ट करने की, और आपको उसमें एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होगा जो आप प्ले स्टोर पर होम वीडियो स्ट्रीमिंग के नाम से आपको मिल जाएगा। इसे इंस्टॉल करके सेटअप करने पर आप अपने स्मार्टफोन को एज ए सीसीटीवी कैमरे की तरह काम में ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग को किसी भी दूसरे डिवाइस पर भी देख सकते हैं। और आपके स्मार्टफोन का तीसरा यूज है, आप अपने स्मार्टफोन को पीसी की सेकंड डिस्प्ले भी बना सकते हैं, वो भी एक वायरलेस डिस्प्ले। ये करने के लिए आपको अपने पीसी और आपके स्मार्टफोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है स्पेस डेस्क। जैसे ही आप अपने प्राइमरी पीसी के अंदर प्राइमरी सर्वर और अपने स्मार्टफोन के अंदर वो उसका सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो आप दोनों को वायरलेस कनेक्ट कीजिए, यानी सेम नेटवर्क से दोनों को कनेक्ट कीजिए। उसके बाद वो आपका जो पीसी है वो आपके स्मार्टफोन में शो हो जाएगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं आप उसे एज सेकेंड डिस्प्ले की तरह भी काम में ले सकते हैं। यूज है, आप अपने स्मार्टफोन को अपनी कार के लिए जीपीएस या फिर मीडिया प्लेयर की तरह भी काम में ले सकते हैं। ये करने के लिए आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन को अपनी कार से एज ए यूएसबी या फिर ऑक्स केबल से कनेक्ट करना होगा। जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है एंड्रॉइड ऑटो। ये गूगल की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं आप अपने जो कार है उसके अंदर इस स्मार्टफोन को लगाइए और इसे एज ए जीपीएस ट्रैकर, गूगल मैप, उसमें आपको वॉइस प्ले का भी ऑप्शन मिलता है और साथ में आपको इसमें गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस स्टेप से आप अपने स्मार्टफोन को कार का एज ए जीपीएस एंड मीडिया प्ले बना सकते हैं। लास्ट स्टेप है, आप अपने स्मार्टफोन को पीसी के लिए माइक एंड वेबकैम की तरह काम में कैसे ले सकते हैं। अपने स्मार्टफोन को पीसी के लिए माइक की तरह काम में लेने के लिए आपको अपने दोनों डिवाइस में, यानी आपके पीसी और आपके स्मार्टफोन में, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है वो माइक। जैसे आप अपने दोनों डिवाइस के अंदर वो माइक इंस्टॉल करते हैं आप अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर के लिए माइक की तरह काम में ले सकते हैं, वो भी तीन तरह से। अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई ब्लूटूथ है तो आप इसे वाईफाई और ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को यूएसबी के जरिए भी माइक की तरह काम में ले सकते हैं। और अगली है वेबकैम। अगर आप अपने स्मार्टफोन को वेबकैम की तरह काम में लेना चाहते हैं अपने पीसी के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है आईपी वेबकैम। जैसे आप आईपी वेबकैम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो आप अपने जो स्मार्टफोन है उसे पीसी के अंदर स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी उसकी कैमरे को आप पीसी के अंदर देख सकते हैं। ये हुई 5 स्टेप जिनसे आप अपने स्मार्टफोन को फिर से काम में ले सकते हैं जिसे आप काम में नहीं लेते, यानी कि जो आपका पुराना स्मार्टफोन है उसे आप फिर से काम में ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।